हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज संदीप। और लिटरली यार थोड़ा बिजी चल रहा था एक हफ्ते से, और बिजी भी क्या यार, आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो चैनल को, क्या बताऊं यार। मतलब लास्ट वीडियो मैंने डाली थी और उस पर अच्छे खासे व्यू आ नहीं पाए, पता नहीं क्यों यार। आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो या पूरा ही नहीं देखते हो, थोड़ा वीडियो देख लेते हो और चल देते हो, तो यार थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता हूँ मैं। तो यार थोड़ा तो मोटिवेट करो प्लीज़ यार, वीडियो को थोड़ा पूरा देखो। और किसी भी तरह से सपोर्ट ना कर सकते हो तो थोड़ा वीडियो को देख के सपोर्ट कर लो यार, कुछ तो सपोर्ट होगा कम से कम, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी वीडियो बनाने के लिए और थोड़ा बहुत चैनल को भी सपोर्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ यार वीड़ियो पूरा देखो। पिच थोड़ी लो रखनी पड़ती है, रात को शूट करता हूँ, आपको पता ही है मैं रात को शूट करता हूँ, तो थोड़ी पिच लो रख के रखनी पड़ती है मुझे। और टॉपिक बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक हमारे ये था, टॉपिक भी क्या यार, बस एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। इन्फॉर्मेशन ये थी कि यार कभी भी जब आपको देखते हो कि लैपटॉप हुआ और मोबाइल हुआ इनका और कंप्यूटर हुआ पीसी, तो इनकी मार्केट अपोजिट चलती है। अगर आप कोई भी लेटेस्ट मोबाइल लॉन्च होता है तो उसे आपको एकदम से नहीं खरीदना होता है, आपको थोड़ा वेट कर सकते हो। आप 6 महीने या 7-8 महीने वेट कर सकते हो उस मोबाइल का, जब तक कोई और यूज़र आप उसका कोई रिव्यू ना कर दे, या कोई मतलब बहुत सारे यूज़र से खरीद के उसका रिव्यू ना कर दे, तब तक आपको उस मोबाइल को परचेज़ नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस है। लिटरली मैं बताऊँ तो अगर मैं 10-15 साल से मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, और 10-15 साल में मैंने जितने ही मोबाइल यूज़ करे होंगे, तकरीबन 2,500 मोबाइल मैं यूज़ कर चुका हूँ 10-15 सालों में, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी कोई भी न्यू मोबाइल लॉन्च हो तो आपको उसे परचेज़ नहीं करना चाहिए, आपको 6-7 महीने या 7-8 महीने उसका वेट करना चाहिए ताकि कोई यूज़र उसका रिव्यू करे। और बात करते हैं अपने पीसी कंप्यूटर लैपटॉप्स वगैरह को लेकर, तो वो आपको लेटेस्ट ही परचेज़ करना चाहिए जो भी लेटेस्ट जनरेशन चल रही हो। जैसे अभी इंटेल की 13 जनरेशन लेटेस्ट चल रही है, 14 आने वाली है, और तो फिलहाल तो आपको 13 जनरेशन ही लेनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर निकला है 13 जनरेशन का, और काफ़ी बजट कैटेगरी में आ जाता है, थोड़ा बहुत ही प्राइस ऊपर नीचे होता है, ज़्यादा नहीं होता है, और ग्राफिक कार्ड वगैरह तो सस्ते हो ही रखे हैं। अगर आप परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप परचेज़ कर सकते हैं। बाकी तो जितने भी लेटेस्ट मोबाइल SSD वगैरह और रैम वगैरह हैं, और आपके लैपटॉप हुए मोबाइल हुए, जितने भी लेटेस्ट कैटेगरी के हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर जाके देख लेना। तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा मैं, बस 4-5 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि यार आप पूरा देखते भी नहीं हो तो मेरा कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। मैं 10-15 मिनट की आपके लिए वीडियो बनाऊँ और आप देखते नहीं हो, तो मेरा मोटिव है आपको नॉलेज देना और राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। अगर आप देख रहे हो तो आप ही का फ़ायदा है इसमें, मेरा तो कुछ है नहीं, ना ही आप मुझे कुछ पे कर रहे हो, ना ही मुझे कुछ मिल रहा है आपकी तरफ से। अगर आप देख पा रहे हो मुझे, अगर आप देख रहे हो तो इसी में आपका फ़ायदा है, क्योंकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा, अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तो YouTube तो अपना ऐसे ही पार्ट टाइम चला लिया था, फुल टाइम करेंगे इसे भी, एक ना एक दिन रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। फिलहाल तो 7-8 दिनों बाद मैं अपनी फुल मतलब जो लॉन्ग वीडियो है वो पोस्ट कर रहा हूँ, बाकी शॉर्ट वीडियो वगैरह मैं पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आप देख रहे हो, देख तो रहे ही हो आप, उसके लिए यार थैंक यू। एंड प्लीज़ यार चैनल को सपोर्ट करो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इसका लेट संदीप, इतना ही बोलना होता है, कोई मेरे पास क्या बोलते हैं उसे स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट वगैरह कोई नोट नहीं करके रखता हूँ मैं, डायरेक्टली आपसे जो अभी बैठा हूँ अपने सेटअप पर डायरेक्टली आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये वीडियो मेरी कल तक मैं पोस्ट कर दूंगा, आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एडिट वगैरह करने में भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है, आधे घंटे में एडिट हो जाती है आराम से। और एडिट भी मतलब इतनी कोई खास एडिटिंग तो मैं करता नहीं हूँ, बाकी इतना कंटेंट मतलब कंटेंट के नाम पर मैं आपको मतलब इतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपको एंटरटेन ही होना है तो आप मतलब किसी कॉमेडी वीडियो पे चले जाइए, मैं इतनी ज़्यादा कोई कॉमेडी वगैरह भी नहीं करता हूँ, मेरा मकसद है आपको नॉलेज पहुँचाना, डायरेक्टली जो बात होती है वो डायरेक्टली, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ काफ़ी अपनी वीडियो को लेकर, और जो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं लोगों से बात करता हूँ वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आती है मेरी वीडियो तो आप देख लीजिए, वरना तो चलते बनिए तो कोई घमंड वगैरह नहीं है मेरे अंदर भाई, मैं बहुत सीधा साधा बनता हूँ, अपने मुँह से अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, सबके साथ सेम रहता हूँ, जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ सेम हूँ वैसे ही मैं आपके साथ सेम हूँ, जैसा मैं आपसे कैमरे पर बात कर रहा हूँ वैसे ही मैं, आप मेरे किसी सब्सक्राइबर से पूछ लेना, मैं सबकी हेल्प करता रहता हूँ। तो आज के लिए इतनी ही नॉलेज है, काफ़ी है, तो यार प्लीज़ डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, क्योंकि अच्छे अच्छे लिंक मैं दे देता हूँ। अगर हाँ, लिंक से मेरे को याद आया, मैं जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डालता हूँ, आप अगर उससे कुछ सामान परचेज़ करते हो तो आपको उसमें डिस्काउंट तो मिलता ही मिलता है। अगर आप उस परचेज़ किए हुए सामान का स्क्रीनशॉट अगर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर दोगे तो एडिशनल कैशबैक आपको मेरी तरफ से मिल जाएगा, मैं आपसे नहीं ले रहा हूँ, मैं ही आपको दे रहा हूँ, बल्कि देख लीजिए आज तक किसी यूट्यूबर ने ऐसा किया नहीं है, और जो कि मैं पहला यूट्यूबर हूँ ऐसा करने वाला। तो प्लीज़ यार जो भी आपको परचेज़ करना हो आप मुझे बता देना, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना आपको क्या चीज़ परचेज़ करनी है, मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आपका भी फायदा हो जाएगा, थोड़ा बहुत हमारे चैनल को भी सपोर्ट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिस इज वर्ष कलर संदीप, पर के लिए इतना ही, और प्लीज़ सब्सक्राइब, बाय। ये हाथ वाला पुराना हो गया कुछ नया सोचूंगा, इतना मैं यूट्यूबर्स वगैरह को देखता नहीं हूँ, इतना एडिटिंग वगैरह मैं करता नहीं हूँ, तो ये वाला पुराना है, सोचेंगे कुछ।
तब लेते नहीं बाय। अरे भाई अभी गया नहीं हूँ, एक शॉर्ट याद आ गया मुझे, मतलब शॉर्ट क्या एक बात याद आ गई, मेरा एक सेकंड चैनल भी है यूट्यूब पर, तो पता है क्या हुआ उसमें, वो मेरा चैनल फ्रीज हो गया, मैं 3 दिन से उसमें एक वीडियो नहीं डाली, तो अब मैं उस पर मतलब 3 दिन मैंने कुछ दिन हो गए उस बात को, 3 दिन तक मैंने उस पर वीडियो नहीं डाली, तो वो चैनल मेरा कंप्लीटली यूट्यूब ने फ्रीज कर दिया है। पता नहीं यार यूट्यूब का क्या ही दोगलापन है, मेरे को तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या अजीब सा एल्गोरिथम है मेरे को तो, मतलब मेरे तो सर के ऊपर से जा रहा है ये एल्गोरिथम, तो वो चैनल मेरा मतलब फ्रीज ही कर दिया है यूट्यूब ने, अच्छे खासे सब्सक्राइबर थे मेरे उस पर और अच्छे खासे व्यू आ रहे थे, और अब मेरा वो चैनल फ्रीज हो चुका है और उस पर मेरे व्यू नहीं आ पा रहे हैं, 0 व्यू, कंप्लीटली 0 व्यू आ रहे हैं यार, मतलब दिमाग खराब हुआ पड़ा है, 15-20 दिन से रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ और उस पर मेरे व्यू नहीं आ पा रहे हैं, बिल्कुल फ्रीज, कंप्लीटली फ्रीज हो चुका है। उस चैनल के बारे में मैं आपको एक ना एक दिन बताऊंगा कि कौन सा चैनल है और उससे मैं कैसे अर्निंग करता हूँ, तो अर्निंग सोर्स रुक चुका है मेरा उस चैनल से यार, मतलब लिटरली यार दिमाग खराब हुआ पड़ा है और थोड़ा मैं घर के काम में बिजी था, तो बताएंगे यार, सोचेंगे उसके बारे में, बताऊंगा उस चैनल के बारे में जरूर आपको एक ना एक दिन, तो फाइनली बाय।